हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो पर जानेंगे मैनफोर्स 50mg टेबलेट के बारे में। मैनफोर्स 50mg टेबलेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका बेनिफिट भी क्या हो सकते हैं, और इसका जो मोस्टली डोजेस है इसका डोजेस क्या डोजेस हो सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर जो मैनफोर्स 50mg टेबलेट है, एक पत्ता पर आप लोगों को 9 टेबलेट मिल जाएगा। और इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 129 रुपीज़। कहीं भी मेडिसिन शॉप से आप लोग इसको ले सकते हो, ख़रीद कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कहाँ का यूज़ होता है। तो पहले ये जान लेते हैं। देखिए, मैनफोर्स जो 50mg टेबलेट है, इसके अंदर मोस्टली जो कंपोजिशन है सिल्डेनाफिल डाला गया है 50mg। तो देखिए कौन सा कंडीशन पर इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ होता है, या किन कंडीशन पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लो बहुत लोगों को शीघ्र पतन की समस्या होता है, इसका मतलब यही है जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाना या सेक्स करने समय जल्दी निकल जाता है, तो ऐसे कंडीशन पर यूज़ होता है। इनके अलावा किन कंडीशन में यूज़ होता है तो आगे हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। देखिए, सेक्स करने से पहले आधा घंटा पहले आप लोगों को एक टेबलेट लेना होगा गाखिर के साथ। आधा घंटा पहले लेना होगा सेक्स करने से पहले, आधा घंटा पहले लेना होगा गाखिर के साथ। लेने से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है इस टेबलेट लेने से। देखिए, जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है, इसका मतलब यही है जो जल्दी निकल जाना, जल्दी डिस्चार्ज होना, बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन पर लेने से इस टेबलेट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरी बेनिफिट, जिन लोगों को बिल्कुल सेक्स करने का मन नहीं करता है या अपना पार्टनर के पास जाने का मन नहीं करता है, इस टेबलेट यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इस टेबलेट यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा जाने का मन करेगा। बेनिफिट नंबर 3, जिन लोगों को मान लो अच्छी तरह से पेनिस खड़ा नहीं होता या ढीलापन हो गए है, टाइट नहीं होता है सेक्स करने के समय, तो इस टेबलेट लेने से बहुत ही ज़्यादा पेनिस टाइट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इस टेबलेट लेने से ऐसा साइड इफेक्ट होता है जैसे दिमाग में कुछ चक्कर वगैरह आना, या नाक से खून निकल सकता है और दिमाग भी हिल सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई मेडिसिन कोई दवाई यूज़ करने से पहले आपका जो डॉक्टर है उसके साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, बाद में मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगला वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।